नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों रोज़ की तरह आज होंडा यूनिकॉर्न 160 खोलने वाले हैं, जिसका शॉकअप रिपेयरिंग और कौन सेट डालेंगे इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या क्या करना होता है दोस्तों। उसको हम बक्का हम ओपन कर रहे हैं, चक्का ओपन करने के बाद दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों चक्का बाहर आ चुका है, अभी हम इसका शॉकअप और मरघाट बाहर निकालेंगे और फिर कौन सेट भी खोलते हैं दोस्तों। जैसे देख रहे हैं दोस्तों दोनों शॉकअप अभी बाहर आ चुका है, अभी हम इसको खोलकर रिपेयर करेंगे और कौन सेट भी डालेंगे दोस्तों। अभी दोनों जैसे कि दोस्तों जब भी शॉकअप रिपेयर करें तो दोनों शॉकअप का रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देख लीजिए अभी कौन सेट ओपन हो गया है, अभी हम इसको निकाल कर वायरिंग बाहर निकालेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों अभी कौन सेट बाहर निकल चुका है, देखिए वायरिंग कितना ख़राब हो चुका है। अभी इस वायरिंग को हम नया डालेंगे। देखिए छर्रा है, छर्रा बिल्कुल कट गया है, इसके लिए हैंडल में आवाज़ आ रहा था दोस्तों। आपके भी पास गाड़ी है तो देख सकते हैं कैसा है, कट गया है। तो दोस्तों कोई भी गाड़ी हो अगर आपका हैंडल आवाज़ मार रहा है तो उसको खोल के ज़रूर चेक कराइए। इसको नहीं चेक कराएंगे तो शॉकअप सर पे लौट जाता है दोस्तों, और शॉकअप सर भी ख़राब है तो शॉकअप सर रिपेयर कराइए, नहीं तो शॉकअप सर की वजह से भी कौन सेट ख़राब हो जाता है दोस्तों। कैसा है, शॉकअप ज़्यादा दबता है तो कौन सेट पर लौट जाता है दोस्तों। जैसे देख रहे हैं ये कौन सेट निकल चुका है, इसका असली नाम ब्लेसर होता है तो हम कौन सेट बोलते हैं इसको दोस्तों। ये देख लीजिए कितना ख़राब हो चुका है दोस्तों। जब भी डालें कौन सेट तो इसको पूरी अच्छे से साफ सफाई करके डालें। तो कैसा है, कौन सेट कभी कभी साफ सफाई नहीं करते, ध्यान दीजिए ये जितना ग्रीस लगा है, मिट्टी लगा है, अच्छी तरह साफ हो जाए। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं वायरिंग निकल चुका है इसका, अभी हम नया वायरिंग डाल के फिटिंग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए जैसे कि सारा इसका देख लीजिए कितना ख़राब हो चुका है पूरी तरह। तो दोस्तों हम इसमें हीरो का डालेंगे कौन सेट, हीरो का है देख लीजिए। अभी इसको निकालते हैं, इसका पार्ट निकालते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों जैसे कि इसमें और इसमें देख लीजिए कितना डिफरेंट है दोस्तों। और ये इसके साथ ये जाली वाला छर्रा लगा फिटिंग मिल जाता है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हम अभी इसको फटाफट फिटिंग करेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी हमारा कौन सेट फिटिंग हो चुका है, देख लीजिए इधर भी दोनों साइड ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ऊपर का भी वायरिंग बैठ चुका है। अभी हम लगा के इसको सेट करेंगे। देखिए दोस्तों अभी कौन से एकदम आप भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एकदम फ्री हो चुका है, देखिए दोस्तों एकदम आप भी फिटिंग कर सकते हैं अपने हाथों से दोस्तों। 5 मिनट का काम रहता है दोस्तों, एकदम मस्त एकदम। इसको कैसा है, कौन से डालने से हमारा हैंडल फ्री हो जाता है, गाड़ी चलाने में एकदम मज़ा आ जाता है दोस्तों। तो जैसे कि बोला अभी शॉकअप रिपेयर के बारे में, अभी हम शॉकअप रिपेयर करेंगे। और जब भी दोस्तों शॉकअप खुलवा रहे हैं दोनों तो कौन सेट को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन सेट से कभी कभी कौन सेट ख़राब रहता है, वायरिंग कटा रहता है तो आवाज़ गाड़ी मारने लगती है। तो शॉकअप सर लगता है शॉकअप सर का है, लेकिन शॉकअप सर ठीक हो जाता है, लेकिन कौन सेट का आवाज़ वैसे ही आता है दोस्तों। तो जब भी खुलवाएँ दोनों शॉकअप तो कौन सेट ज़रूर चेक कराएँ दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारा गाड़ी कुछ टाइम तक और लाइफ इसकी बन जाती है दोस्तों कौन सेट का। जैसे कि दोस्तों अभी हम शॉकअप खोलेंगे, अभी सिर्फ यही लीकेज है दोस्तों, ये लीक है वो सही है, तो उसको दोनों शॉकअप एक लेवल में करके लगाना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों एक स्प्रिंग इसमें रहता है, सिर्फ स्प्रिंग रहता है और कुछ नहीं, वाइसर वाइसर कुछ नहीं लगा रहता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग है और इसका आयल पूरा गिर चुका है, थोड़ा बहुत रहेगा तो उसको बाहर निकाल कर फिर वो सील लगाएं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा आयल है, पूरा लीकेज हो चुका था पूरा दोस्तों। इसको भी ठीक कराना बहुत ज़रूरत है, जब भी शॉकअप लीक होए
तो इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिट्टी बैठ कर हमारा सौ का पाइप जो रहता है वो कट जाता है, ये जो रहता है ये कट जाता है, तो काफ़ी महंगा आता है दोस्तों। तो इस पर मार लगा रहे तो भी सौ कप लीकेज होने लगता है, तो दोस्तों जब भी लीकेज होए तो ऑयल सील चेंज कराना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये सस्पेंसर राड है जो इससे खुलता है, इसमें डालें अभी, देखिए दोस्तों इसमें लगा दिए, अभी हम इसको खोलेंगे। दोस्तों ये पिस्टन पिन आता है जो इसको लगा बोल्ट पर लगा के ठोक देते हैं तो बोल्ट ढीला हो जाता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा होता है जिससे हमारा बोल्ट ख़राब नहीं होता है और आसानी से खुल जाता है दोस्तों। तो अभी हम दिखाते हैं कैसे लगा के इसको ठोकना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें डालेंगे और इस पर सिर्फ दो हथौड़े से फटका मारेंगे, बोल्ट ढीला हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, अभी दो फटका लग चुका है, अभी इसको हम बोल्ट बाहर निकालेंगे और छः नंबर लंकी से खोल लेंगे दोस्तों। ये लंकी है, अभी इसको हम इसमें लगाएंगे, देखिए दोस्तों एकदम आसानी से फिट हो जाता है और बोल्ट भी नहीं ख़राब होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी पाइप लगाएंगे और तुरंत खुल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों एकदम बेहद आसान होता है, ऐसे करेंगे तो एकदम आसानी से खुल जाता है। देखिए दोस्तों जैसे इसमें एक लाख लगा रहता है आई सील के ऊपर, इसको भी निकालना जरूर रहता है, और अब आई सील निकालेंगे बाहर। दोस्तों ये ऑयल सील है, देख लीजिए कितना ख़राब हो चुका है, और हम इसमें नया ऑयल सील डालेंगे। तो दोस्तों इसको कभी भी सौ का खोलें तो इसको पूरी अच्छी तरह से साफ़ करके ही फिटिंग करें, कैसा है कि इस पर साफ़ नहीं करेंगे तो धूल मिट्टी जमा रहता है, तो ऑयल सील फिर कटने का संभावना बनी रहती है दोस्तों। साफ़ सफाई कर देने से ऑयल सील का लाइफ बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों ये एस्केप का आई सील है, हम एस्केप का ही यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा चलता है और ओरिजिनल भी है कंपनी का, एस्केप कंपनी का, जिस कंपनी का बैरिंग आता है बहुत सारा चीज़ आता है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम तक चलता है दोस्तों। अभी दोस्तों हम जेट पावर का ऑयल डालेंगे जो 175 ml रहता है, काफ़ी गाढ़ा रहता है दोस्तों। सस्पेंसर में पतला ऑयल डालने से कभी कभी लीक हो जाता है, लेकिन ये अच्छा रहता है, थोड़ा गाढ़ा रहता है दोस्तों, लीक नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें एक बूस्ट लगता है, देखिए दोस्तों ये बूस्ट लगता है, इसके ऊपर वाइसर लगता है। जब भी दोस्तों आई सील फिटिंग करें तो इसका बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना कि बूस्ट कटा रहेगा तो भी हमारा सौ का सर लीकेज हो जाता है। तो दोस्तों आप फिर ये थोड़ा भी खराबी रहेगा तो पाइप को काट देता है दोस्तों, इसको बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना। और ये वाइसर उल्टा सीधा देख के लगाया जाता है, जैसे देखिए दोस्तों इधर प्लेन है, इधर थोड़ा खलपट है, तो दोस्तों इसको ये प्लेन नीचे साइड कर देंगे और ये ऊपर साइड दोस्तों, एकदम आसान से। देखिए दोस्तों अभी आई सील एकदम बराबर फिटिंग हो जाएगा। दोस्तों जब भी आई सील फिटिंग करें थोड़ा इसे कॉलर पर ग्रीस लगा लीजिए, इसे कैसा है एकदम आसानी से बैठ जाता है। आई सील लगाएंगे, देखिए दोस्तों इसमें भी उल्टा सीधा होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक स्प्रिंग इस साइड लगा है दोस्तों, तो कभी कभी कैसा है सौ कप बार बार लीक हुए तो दोस्तों ये स्प्रिंग को निकाल के बाहर थोड़ा सा कटिंग करके छोटा कर देंगे दोस्तों, तो सौ कप लीकेज बंद हो जाता है जब बार बार होए तो दोस्तों, नहीं तो वैसे ही फिटिंग कर दे दोस्तों। दोनों साइड स्प्रिंग लगा रहता है, देखिए दोस्तों एक साइड कम खड्डा है, लिखा है जैसे ऊपर रखिए, और एक साइड देखिए दोस्तों ज़्यादा खड्डा है तो इसको अंदर को कीजिए। जैसे दोस्तों बोला दोनों साइड स्प्रिंग लगा रहता है, सौ कप बार बार लीक होता है तो उसको स्प्रिंग कटिंग करके छोटा कर देंगे तो सौ कप का लीकेज बंद हो जाता है दोस्तों। अभी हम इसको सेट करेंगे इसमें लगा के, देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा दोस्तों। जब भी को ऑयल सील बैठाएँ सौ कप का, तो कैमशाफ्ट है हीरोंडा का जो ख़राब कोई गाड़ी का आप भी देखते हैं ख़राब गाड़ी का निकलता है, इससे बैठाने से एकदम आसानी तरीके से बैठ जाता है दोस्तों। अभी हम इसको अच्छे से फिटिंग करेंगे, देखिए दोस्तों देखिए एकदम आसानी से दोस्तों, कोई मेहनत नहीं, देखिए दोस्तों एकदम आसानी से बैठ चुका है, देख लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऑयल सील के बारे में हम आपको बताएँगे कैसे कैसे सही करना रहता है दोस्तों, उसके भी बारे में बताएँगे दोस्तों।